जुआ प्रतिषेध अधिनियम के तहत लगातार दुर्ग पुलिस ने कार्रवाई करते हुए मोहन नगर थाना क्षेत्र से ऑनलाइन आईपीएल सट्टा संचालित किए जा रहे दो युवकों को धर दबोचा, साथ ही नकदी राशि, मोबाइल और पासबुक के सहित टीवी को भी जब्त किया है। दुर्ग शहर में चल रहे अवैध आईपीएल सट्टे के खिलाफ मुहिम चलाने दुर्ग पुलिस अधीक्षक अभिषेक पल्लव के दिशा निर्देश पर लगातार कार्रवाई की जा रही है और आरोपियों की धरपकड़ की जा रही है। इसी के चलते मोहनगर थाने क्षेत्र में चल रहे आईपीएल सटोरियों की सूचना मिलने पर दुर्ग उरला के लोधी पारा में आईपीएल मैच का दांव लगा रहे लोगों पर घेराबंदी कर कार्रवाई की गई। इनके पास से दिल्ली कैपिटल और रॉयल चैलेंजर बेंगलोर टीम के बीच चल रहे आईपीएल मैच पर दांव लगाते दो युवक सहित 8 नग मोबाइल, बैंक के अलग अलग 4 खातों में सट्टे की रकम को जब्त किया गया है। इसके बाद दुर्ग पुलिस द्वारा पकड़े गए आरोपियों को अग्रिम कार्रवाई के लिए थाना मोहन नगर लाया गया। इस संबंध में थाना मोहन नगर के उप निरीक्षक शिशुपाल चंद्रवंशी ने प्रतिक्रिया दी। आईपीएल क्रिकेट चल रहा था तो जरिए मुख्य सूचना मिली कि आईपीएल संबंधित सत्ता पट्टी ऑनलाइन मोबाइल व्हाट्सएप के जरिए ऐप कर किया जा रहा है। तो सूचना पर हमारा स्टाफ और वो गवाही के लेकर जाके घेराबंदी कर पकड़ा गया। तो आरोपी विश्वनाथ सिंह एवं कृष्णा राजपूत को रंगे हाथ पकड़ा गया, जिसे पकड़ कर उनके खिलाफ धारा 4, 5, 7, 8 छत्तीसगढ़ जुआ प्रतिषेध अधिनियम 2022 के तहत कार्रवाई की जाकर गिरफ्तार कर न्यायालय भेजा गया। ग्रैंड सीन न्यूज के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट।